नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। ठंडी का मौसम शुरू होते ही हमारा मन कुछ चटपटा और गर्मा गर्म खाने को करता है, तो क्यों ना हम आज एक ऐसा नाश्ता बनाए जो कि झटपट से बन जाए और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ इस टेस्टी नाश्ते का मजा लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पर हम पैन रखकर उसमें लगभग एक छोटा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने पर हम इसमें एक चुटकी हींग डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटी चम्मच राई डाल देंगे। राई और जीरा तड़कने लगे हैं तो अब हम इसमें एक कटोरी पानी डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, एक चुटकी हल्दी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे एक बार। अब हम इसमें एक कटोरी चावल का आटा डाल देंगे और गैस की आंच धीमी करके इसे मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी कलर के लिए डाली है, लेकिन आप पसंद नहीं करते हैं तो हल्दी स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कटोरी चावल का आटा लिया है तो एक कटोरी पानी लिया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जितना हम चावल का आटा लेंगे उतना ही हम इसमें पानी लेंगे। तो कुछ ही देर में आप देखिए चावल के आटे ने सारा पानी सोख लिया है, मुश्किल से एक या दो मिनट लगे होंगे। तो अब हम इसमें कुछ मीठा नीम की पत्तियां और एक हरी मिर्ची काट कर डाल देंगे। मीठा नीम भी हमने काट के रख लिया था। एक चौथाई छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, एक चौथाई छोटी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स, ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं या फिर लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो उबले हुए आलू जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। गैस की आंच हमने बिल्कुल धीमी रखी इस समय और इन सबको अच्छे से एक बार मिला लेंगे। ताकि आलू और चावल का आटा मिक्स हो जाए। कुछ ही देर में आप देखिए आलू और चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये डो की तरह बन गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। केवल 5 मिनट हुए हैं और ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, हम इसे आसानी से टच कर सकते हैं, इतना ही ठंडा होना चाहिए। आटे को हम बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, उसे हाथ से अच्छे से मसल करके और एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। ताकि आलू और चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसका डो तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा लेकर के नींबू के आकार का दोनों हाथों के बीच में लेकर के इसे इस तरीके से चिकना कर लेंगे ताकि इसमें कोई क्रेक्स नहीं रहे। देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम इसे कोई भी मनचाहा शेप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ इसे प्रेस करके एक टिक्की का शेप दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इनके बॉल्स भी बना सकते हैं इस तरीके से। जैसा शेप आपको पसंद है वैसा आप दे सकते हैं। एक बेज बना करके हमने रेडी कर ली है जिसमें कुछ को टिक्की का शेप दिया है तो कुछ की बॉल्स हमने बनाई है। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने इधर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम एक एक करके और ये टिक्के इसमें डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे वरना ये फट सकते हैं। इन्हें कढ़ाई में डालने के बाद हम गैस की आंच थोड़ी धीमी कर देंगे, यानी कि मीडियम कर देंगे। एक तरफ से इनका कलर चेंज हो गया है तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं और इस तरीके से हम इन्हें उलट पलट करते हुए कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से उलट पलट करते हुए हमने इन्हें फ्राई कर लिया है और आप देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। तो बस अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इन्हें निकाल लेंगे।
और इस तरह से इन बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। यह नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार हो जाता है। आप चाहें तो रात को इस तरह से डो बना करके रख सकते हैं और सुबह बच्चों के टिफिन में बनाकर रख दीजिए। बच्चे बड़े शौक से इन्हें खाएंगे और मेहमानों के आने पर आप इस तरीके से पहले से तैयारी करके रख सकते हैं और जल्दी से उन्हें फ्राई करके खिलाइए, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बनकर के रेडी है। आप इसे फ्राई हरी मिर्ची या सॉस के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऊपर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, आपको पसंद आएगा। बच्चों को तो ये खास करके पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।